कि जो समुदाय अपना इतिहास नहीं जानता वो गुलाम होता है, लेकिन आप विश्वविद्यालय में हैं, आपको इतिहास में दिलचस्पी नहीं है, आपका आरक्षण विडंबना नहीं, देश में 54% पिछड़ों में जमीन है, ताकत है, बड़ा बड़े देखिए स्मार्ट लड़का सब है, वो हट्टा कट्ठा है। चीफ आर्किटेक्ट अर्जुन सिंह की आज जयंती है, उनको नमन करता हूं और आप सबको बधाई। आप में से कम लोग होंगे, शायद नहीं होंगे, जो मंडल 2 के समय अर्जुन सिंह से लगातार मिल रहे होंगे। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कई साथी यहां पे इधर उधर घूम रहे होंगे, अब प्रोफेसर बन चुके होंगे। मैं और डॉक्टर सूरज मंडल लगातार अर्जुन सिंह से ओबीसी 2 मंडल कमीशन 2 दिल्ली यूनिवर्सिटी में और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में लागू हो इसके लिए लगातार मिलता रहा, उनसे रिक्वेस्ट करता रहा, मेमोरेंडम देता रहा। उस ज़माने में इतना मोबाइल टेक्नोलॉजी नहीं था, 2005-06 की बात कह रहा हूँ, और नहीं तो हम लोग रिकॉर्ड करके रखते, लेकिन NDTV पे एक स्टोरी ज़रूर बनी थी, अमृता रॉय जर्नलिस्ट थी, उन्होंने एक स्टोरी बनाई थी ये कैसे लागू हुआ मंडल 2। तो बहरहाल चलिए, उनसे मिलता था, और सिर्फ सोशल जस्टिस नहीं है, वो बहुत ही नेचुरल सेकुलरिस्ट भी थे। थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूँ, ये अवसर जो है उनको याद करने का और अपनी समीक्षा करने का भी अवसर होता है। अर्जुन सिंह ठाकुर थे, सेकुलर थे, ओबीसी रिजर्वेशन उन्होंने लागू किया, ठाकुरों ने भी साइडलाइन कर दिया, और जिनके लिए उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया उन लोगों ने भी उनको धकेल के साइडलाइन कर दिया। त्रासदी की ओर लिए चलता हूँ, आइए थोड़ा पीछे चलता हूँ। मैं वीपी सिंह से भी मिलता था लगातार, जब वो प्रधानमंत्री पद से जब हट गए, जब नहीं रहे, तो लगातार यहाँ दिल्ली के झुग्गी झोंपड़ी के लिए काम करते थे। मैं सूरज मंडल, उस्मान भाई हमारे कॉलेज में नॉन टीचिंग स्टाफ में थे, लगातार उनके घर जाते थे और बातचीत करते थे। विस्तार से लक्ष्मण ने कह दिया है, और शायद चले गए होंगे, और उनको भी, वो भी ठाकुर थे, उन्होंने ओबीसी के लिए मंडल 1 लाया, ठाकुरों ने धकेल दिया साइड में, और जिनके लिए मंडल 1 लाया उन्होंने भी धकेल के बाहर कर दिया उधर। इसलिए आप ये जयंती मना रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस है, मेरा रिश्ता इस कैंपस से 3 दशक का है तकरीबन, तो आप सबको बधाई, कम से कम इतनी हिम्मत तो आपने कर ही दी याद करने के लिए। भले ही दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में 10,000 ओबीसी छात्र छात्राएं हों, लेकिन कम से कम 150 भी खड़े हो गए तो यही बड़ी बात है, क्योंकि थोड़ी त्रासदी के साथ ओबीसी समाज जरूर है। थोड़ा और पीछे लिए चलता हूँ, मैं इतिहास का छात्र हूँ तो बगैर इतिहास दृष्टि से बात न समझाऊँ तो बात बनती नहीं। जब मंडल कमीशन, मेरे हाथ में एक किताब है, अब मैंने ही एडिट की है, शरद यादव, मंडल मसीहा कहते हैं आप लोग, कभी कभी नमस्ते कर लेते होंगे, लेकिन क्या लिखा था, क्या बोला था, क्या हंगामा हुआ था, इसका दस्तावेजीकरण, इसका डॉक्यूमेंटेशन करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। जब मंडल कमीशन 2 सबसे पहला आंदोलन काशीराम ने किया था, पूरे देश भर में मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, भूल गए आप? डॉक्टर अम्बेडकर का कोट पढ़ते होंगे कि जो समुदाय अपना इतिहास नहीं जानता वो गुलाम होता है, लेकिन आप विश्वविद्यालय में हैं, आपको इतिहास में दिलचस्पी नहीं है। मंडल कमीशन था ओबीसी के लिए, घर किसका जला कुछ याद है? पत्थर किसके घर पे पड़े? राम विलास पासवान के घर पे। नहीं याद है तो अपने पिताजी से, चाचा जी से, ताऊ से पूछ लीजिएगा, उनके घर पे पड़े। दिल्ली यूनिवर्सिटी यही कैंपस है, कह रहे थे कि भाई यहाँ आरक्षण आ जाएगा तो सरस्वती का मंदिर है, और तरीके से कहाँ है सरस्वती का मंदिर, कहाँ बनाया हो बताओ भैया? तो कुछ, एक दूबी भी नहीं बनाया, एक धागा भी नहीं बनाया, खाली ढोल पीट रहे हैं। यहाँ पे लोग जूते पॉलिश कर रहे थे दिल्ली में, आप लोग कुछ पैदा हुए होंगे, कुछ नहीं हुए होंगे, मैं उस समय कॉलेज का छात्र था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अपमान किसका हो रहा था, किसका हो रहा था? राम विलास के घर पे जो है, पासवान के घर पे ढेले पड़ रहे थे, और यहाँ के एलीट लड़के लड़कियाँ
वो जूते पॉलिश कर रहे थे, किसका अपमान हो रहा था? कुछ समझ आ रहा है? इस दलितों का अपमान हो रहा था इस देश में, रिजर्वेशन ओबीसी के लिए था। एक अभी इसको मैं जनऊ रिजर्वेशन कहता हूं 10%। कोई कमीशन बना, कोई रिपोर्ट है और लागू हो गया। उसका समाज भी जागृत है, उसके लोग भी जागृत है, नेता भी जागृत है। मंडल कमीशन के लिए आपने कोई आंदोलन किया? आंदोलन किया कांशीराम ने, बाद में शरद यादव ने। अभी अंधेरा हो गया तो शरद यादव का जो संसद में भाषण है वो मैं आपको जरूर सुनाता। नेताओं ने किया आंदोलन, जनता जागृत हुई, आज भी जागृत है पहले बताइए। तो जिसका समाज जागृत नहीं होगा तो कितना भी कोई दे देगा वो लीला में आपके सारे अधिकार और आरक्षण चले जाएंगे। थोड़ा और पीछे लिए चलता हूं। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि भाई मंडल कमीशन जो है दूसरा संविधान था, कि हमारा संविधान तो ये है, तो वो संविधान निकला कहां से? निकला कहां से? वो निकला कॉन्स्टिट्यूशन से। आपको पता है कि 1932 में डॉक्टर अंबेडकर ने पिछड़े वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की बात कही थी, पता है? सबसे पहले रिजर्वेशन ओबीसी को मिला, वही मिला मद्रास में और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, पता है? नहीं। अलग से पिछड़े वर्ग को चुनने का प्रावधान आया था 1918 में, पता नहीं? तो आप लोग सब खाए अघाए लोग हैं, पैसा है, जमीन है, दूध भी पी रहे हैं, कार में भी चल रहे थे, रिजर्वेशन जैसे आया था वैसे चला गया। निजीकरण क्या है? और अब नब्ज पे अब दबाता हूं थोड़ा सा। जैसे जैसे आपने, यहां भी पढ़े लिखे लोग खाली अपना जात का लोग ढूंढता है, जैसे जैसे आपने अपने जात के नेता बनाने शुरू कर दिए वैसे वैसे आपका आरक्षण खत्म होना शुरू हो गया। उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए, आप कोरिलेशन कर लीजिए मेरी बातों से। जात जात का नेता बना रहे हो कि जिस जात का होगा उसी का नेता हम उसी को मानेंगे, तो बड़े तो जात के नेता हो गए, सब जात जात के नेता हो गए, तो उनसे पूछो ना जाकर कि जो इतने लड़के डॉक्टर अंबेडकर ने 340 आर्टिकल पहले बनाया कॉन्स्टिट्यूशन में ओबीसी के लिए, और जो रिजर्वेशन में 4 पॉइंट्स उन्होंने लिखे उसमें से 1 पॉइंट ओबीसी रिजर्वेशन था, कभी रिजर्वेशन भी पढ़ लेना। उसके बेसिस में बाद में काका कालेलकर कमेटी बनी और वो रद्दी के टोकरी में डाल दी गई, बाद में मंडल कमीशन आया। मेरा जो पॉइंट ये है, और अर्जुन सिंह बेचारा और बीपी सिंह साइडलाइन कर दिए गए भारतीय पटल से, क्यों? आपकी भी दिलचस्पी, आपके मतलब मैं आपको नहीं कह रहा, मैं पूरे जमात को कह रहा हूं। आप जिसने अपना पूरा करियर दांव पे लगा दिया, साइडलाइन हो गए, वो पूरा जमात आज अर्जुन सिंह को, बीपी सिंह को, रामविलास पासवान को, कांशीराम को, अंबेडकर को याद नहीं कर रहा ठीक से। ये पैराडॉक्स है, ये विडंबना है। जात जात के नेता बनाओगे तो एक आदमी को खरीदना कभी भी आसान होता है। पहले वोट बिकता था, 100-500 में वोट बिकते थे, अब वोट नहीं बिकता है, अब जनता जागरूक हो गई है, अब नेता ही सीधे पैकेज डील में खरीद लेता है। बोला निजीकरण में कुछ मत बोलना, वो CBI ED रखा हूं तेरे पीछे, निजीकरण पे कुछ नहीं बोलना। तो निजीकरण पे हमारे नेता नहीं बोलते हैं, तो जब निजीकरण पे बोलेंगे नहीं, जब प्राइवेटाइजेशन पे, तो आपका आर्थिक विडंबना नहीं देश में 54% पिछड़ों में जमीन है, ताकत है, बड़ा बड़ी देखिए स्मार्ट लड़का सब है, बोलो हट्टा कट्टा है, है? अब वो मांग रहा है कि दे दो, उसको दिलचस्पी ही नहीं रिजर्वेशन से। नहीं तो इतनी बड़ी आबादी, SC ST Act खत्म हुआ सबके समर्थन से, ये खत्म किया सुप्रीम कोर्ट ने, एक बार सड़क में आया सरकार को पीछे झुकना पड़ा, और इतनी बड़ी जमात, इतना स्मार्ट लोग सब, कौन कोई यदुवंशी है, कोई वंशी है, कौन क्या है, कार्बी में भी घूम रहा है, पैसे भी है, और अपने अधिकार की रक्षा नहीं कर सकता है, जो कि बगैर उनके इतने कोई बड़े संघर्ष के उनको मिला उसको। मेरे कहने का मतलब ये है कि बकरी को बिरयानी खिलाओगे ना तो भी नुकसान होगा, बकरी खाएगी नहीं,
चिकन बिरयानी खिलाओगे बकरी को तो भी नुकसान होगा, खराब हो जाएगा पेट, उसका दवाई करवाना पड़ेगा। अब बिल्ली को भी बिरयानी खिलाओगे तो भी नुकसान होगा, वो खाएगी और उससे उम्मीद करो कि शेर बन के दिखाए, तो बिल्ली कभी शेर नहीं बन सकती। अब बिरयानी का क्वांटिटी का क्वालिटी थोड़ा कम हुआ तो पता लगा कि बिल्ली तुम्ही को पंजा मारी, अपने समाज से क्या पैदा करना चाहते हो। मैं इस कैंपस में रहा हूँ, सारे मानस हॉस्टल में, जुबली हॉल में, सारे हॉस्टल्स में रहा हूँ। यहाँ पे ओबीसी कितने प्रोफेसर होंगे, किसी ने वो समीक्षा नहीं लिखी, एक लेख नहीं लिखा होगा आज अखबार में। मैं अभी आ रहा हूँ, किसी मीटिंग से आ रहा हूँ, दो दिन भर मीटिंग में था। तो साथियों, ये दिन समीक्षा का भी है, ये आप जो है सिर्फ आज नमन करके प्रणाम करके घर मत जाइए, जाइए सोचिए कि जो चीज आपका तो खत्म हो जा रहा है, उधर 10% वाला जो पहला कास्टिस्ट कोटा, इसको मैं कहता हूँ पहली बार कास्टिस्ट कोटा 10%, वो कंटिन्यू है, ओबीसी का पूरा नहीं, ईडब्ल्यूएस पहले भरा जा रहा है। ये आपके चेतना का लेवल वैसा है, आपके नेताओं के चेतना का लेवल वैसा है कि जो मिला था आपको विरासत में उसको भी आपने खो दिया। इसलिए शिकायत के साथ भी ये बात मुझे कहनी पड़ती है, पूरे कैंपस में इतने सारे लोग हैं, आप लोग को नेता बनने का चस्का लगा हुआ है। नेता सिर्फ सफेद कुर्ता पजामा वाला होता है कि देखे नहीं आजकल जींस और टी शर्ट में नेता घूमता है। बड़े पत्रकार बनिए, बड़े लॉयर बनिए, एक आर्टिकल आप टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखिए, हिंदू में लिखिए, समीक्षा है कोई लिखने वाला यहां पे, उससे विमर्श आगे बढ़ता है, उससे ओपिनियन बनता है, ओपिनियन फॉर्मेशन होता है। ये सब कोई बात नहीं करना है, इंटेलेक्चुअल फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ के पीएचडी वकील बनने वाले, एमपी जाके भैया के यहाँ, कोई भैया के यहाँ, कोई चाचा के यहाँ, वहाँ बैठ के सब खाली कुर्ते पजामा के चक्कर में रहता है। जिस समाज में बुद्धिजीवी नहीं हो, जिसमें एनालिसिस करने वाला लोग नहीं हो, जिसमें एजेंडा सेटिंग करने वाला लोग नहीं हो, वो समाज को अगर कुछ भी मिल जाए समाज उसको खो ही देता है, क्योंकि पूरा सिस्टम ये विमर्श ये सिर्फ नेता नहीं पैदा करते हैं। लोहिया कहते थे कि जब सड़कें सुनसान होगी तो संसद आवारा हो जाएगा। आप जात जात के नेता बनाने में आपने सड़कों को सुनसान कर दिया है। जिस दिन जमात के नेता बनाने लगोगे, एक समय था कर्पूरी ठाकुर की जाति की संख्या बिहार में कितना है, 1%, 1.5%, एंड ही वॉज अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ बिहार। और आप लोग जात में जात, अपने में भी अपना तलाश रहे हैं, जाति में जाति तलाश रहे, मैं जानता हूं, इसलिए कह रहा हूं, यादव है तो किसनौट है कि मजौट है कौन है वो भी ढूंढ रहे हैं, है? कुर्मी के लेयर्स तलाश रहे हैं कि कौन अवधिया है, कौन क्या है, पूरा है। कह रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण मिला था, हम प्रणाम कर रहे हैं, वो बच जाएगा, नहीं बचने वाला है। अगर राजनीति और समाज में विचारधारा के अगेंस्ट मेरा भाई भी है तो भी मेरा राजनीतिक शत्रु है, ये जब तक अपने अंदर नहीं लाओगे तब तक अर्जुन सिंह हो, वीपी सिंह हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, रामविलास पासवान हो, शरद यादव हो, काशी राम हो, इन्होंने जो संघर्ष करके आपको दिया, सेटिंग में मत रहो, खो दोगे सब, अपने अपने सेटिंग के चक्कर में घूम रहे हो कि मेरा काम हो जाए। सब जानते हैं, इस यूनिवर्सिटी में 25 साल पढ़ा चुके हैं कि भैया मेरा चेहरा उधर नहीं दिख जा रहा, रतन जी के साथ और लक्ष्मण के साथ, नहीं तो पता लगा नौकरी में दिक्कत होगी। अरे जिस नौकरी के लिए ढूंढ रहे हो उससे ज्यादा तनख्वाह की नौकरी दांव पे लगा के हम लोग दिन रात लड़ते हैं। किसके लिए लड़ते हैं, किसके लिए लड़ते हैं, आप सब जानते ही होंगे, दिन रात दांव पे होती है। लेकिन आप जो है मट्ठा पी के सोया उधर है, कोई आर्टिकल नहीं लिखना, कोई समीक्षा नहीं, कोई बहस नहीं। अच्छा कौन बुलाया, अच्छा फलां नहीं बुलाया है, उसमें नहीं जाना है, वो नेता बन जाएगा। अच्छा इधर कौन बुलाया है, तो ये बुलाया है, तो उसमें नहीं जाना है, नेता बन जाए, मुझे तो 1000 नेता की जरूरत है, किसको किसको नेता बनना है हाथ उठाओ मेरे पास आ जाना। लेकिन इसके लिए 25 साल तैयारी करना होगा, 25 बरस, उससे नीचे एक दिन भी नहीं, उतना अगर पेशेंस है तब आना। उस सेटिंग वाला नेता मुझे नहीं चाहिए, मुझे दिलेर और बहादुर लोग चाहिए, क्योंकि ईमानदार, दिलेर और बहादुर लोग ही मिशन और कारवा को आगे बढ़ा सकता है। शुक्रिया, थैंक यू।